हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल AMK संगीत। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं आपको एक बहुत ही मशहूर गाना जिसका नाम है तेरी आँख्या कायो काजल, और इस गाने को गाया है DC मडाना जी ने। जी हां फ्रेंड्स, तो सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटी वाले निशान को दबाकर ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले तो इस गाने को विद म्यूजिक पार्ट आपको सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखते रहिए दोस्तों, कहीं भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। दोस्तों अगर चाहें आप तो बिना म्यूजिक के भी गाने को सीख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है आप यदि म्यूजिक पार्ट को साथ में सीखते हैं तो गाना एकदम इंटरेस्टिंग बन जाता है, इसलिए मैं आपको गाने को पूरा म्यूजिक पार्ट के सहित सिखाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें जो फर्स्ट म्यूजिक पार्ट आपको प्ले करके दिखाया था स्टार्टिंग में, वही म्यूजिक पार्ट आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा, सेकेंड म्यूजिक भी सिखाऊंगा, अंतरा एंड स्थाई की बोल सब कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट में म्यूजिक पार्ट आपको सिखाने से पहले आपको स्किल बताना चाहूँगा कि कौन सी स्किल से इस गाने को सिखाने वाला हूँ। तो मैंने स्किल रखा है फ्रेंड्स G#माइनर, तो ये हमारा नोट है G#, तो 1 2 3 तीनों कीज को एक साथ में इस तरह से प्ले करेंगे तो हमारा स्केल बन जाता है G#माइनर। तो इसी स्केल से इस गाने को सिखाने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट में आपको इसका जो म्यूजिक पार्ट है वो आपको एक बार जो मैंने रियल टाइम में प्ले करके दिखाया था, एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ सके कि किस तरीके से आपको म्यूजिक पार्ट प्ले करना है सीखने के बाद में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही है हमारा म्यूजिक पार्ट। तो इस नोट से आपको स्टार्ट करना है, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा किस तरह से आपको प्ले करना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको छोटा छोटा टुकड़ा करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देख लीजिए फ्रेंड्स, इतना पार्ट पूरा प्ले करने के बाद में इतना ही पार्ट आपको दोबारा प्ले करना है, यानी कि दो बार प्ले करना है, तब जाकर हमारा ये फर्स्ट म्यूजिक पार्ट पूरा होता है। तो आसान तरीके से सीख लीजिए किस तरीके से, आपको दोबारा से बता देता हूँ। फिर दोबारा से, इतना पार्ट प्ले करना है फ्रेंड्स। तो इतना पार्ट प्ले करने के बाद में हमारा म्यूजिक पार्ट पूरा हो जाता है। तो इसके बाद में इस गाने के स्थाई के बोल स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्थाई का सबसे फर्स्ट बोल है तेरी आँख्या कायो काजल। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये भी बोल आपको बहुत ही आसान तरीके से बता देता हूँ, तो उसके लिए मैं आपको वॉइस चेंज करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट में आपको स्थाई का बोल प्ले करके बहुत आसान तरीके से दिखा देता हूँ, तेरी आँख्या कायो काजल। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको इसी नोट से स्टार्ट करना है ये भी बोल। इतना फर्स्ट में आपको बोल प्ले करना है तेरी आँख्या कायो काजल। जी हाँ दोस्तों, तो दोबारा से देख लीजिए, फर्स्ट बोल, नेक्स्ट बोल मैंने करे से कोई घायल। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये बोल आपको दो बार प्ले करने हैं, दोनों बोल आपको दो बार प्ले करने हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो दोबारा से एक उंगली से भी आपको इस बोल को सिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ सके। सबसे फर्स्ट में तेरी आँख्या कायो काजल। जी हाँ फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट बोल मैंने करे से कोई घायल। इतना बोल आपको प्ले करने के बाद में इसमें नेक्स्ट बोल आ जाता है, तू शहद शहद पाँव धर ले तेरा दिल धड़कावे पायल। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी बोल आपको इन्हीं नोट्स पर प्ले करना है, तू शहद शहद पाँव धर ले, देख लीजिए दोबारा से।
एंड नेक्स्ट तेरा दिल धड़का बे पायल। जी हाँ फ्रेंड्स, देख लीजिए। तो इतना बोल प्ले करने के बाद में इसमें जो नेक्स्ट बोल आ जाता है वो है फ्रेंड्स, मैंने पल 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 याद तेरी तड़पावे से। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बोल आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल थोड़ा लंबा है और इजीली आप जब भी समझ पाएंगे जब आप अच्छे से ध्यान से इस बोल को सीखेंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट बोल है, मैंने पल 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 याद तेरी तड़पावे से, तो किस तरह से आपको प्ले करना है, तो यहाँ से डायरेक्टली आपको ऊपर की तरफ जाना है इस बोल के लिए। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए किस तरह से। इतना बोल है फ्रेंड्स, तो इस बोल को दोबारा से देख लीजिए फ्रेंड्स किस तरह से, हो मैंने पल 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 याद तेरी तड़पावे से। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना बोल प्ले करने के बाद में इसमें नेक्स्ट बोल आ जाता है, तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको किस तरह से प्ले करना है वो भी देख लीजिए। दोबारा से देख लीजिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वाला लास्ट वाला बोल है, तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ से इतना बोल प्ले करने के बाद में इसमें छोटा सा म्यूजिक पार्ट दिया गया है, फिलर पार्ट, तो किस तरह से वो भी देख लीजिए फ्रेंड्स, उसको भी बता देता हूँ। इतना पार्ट आपको ऐड करना है इसमें, रियल में है फ्रेंड्स, तो दोबारा से देख लीजिए। इतना पार्ट ऐड करने के बाद में फिर दोबारा से आपको वही बोल रिपीट करना है फ्रेंड्स, जो अभी मैंने आपको प्ले करके दिखाया है, मैंने पल 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 याद तेरी तड़पावे से। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला वही बोल फिर दोबारा से आ जाता है फ्रेंड्स, तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहां तक प्ले करने के बाद में हमारा इस गाने का जो स्थाई का बोल है वो पूरा हो जाता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हमारा इस गाने का सेकंड म्यूजिक पार्ट स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा कि वो जो फर्स्ट में हमने म्यूजिक पार्ट प्ले किया था, वही म्यूजिक पार्ट हमको सेकंड म्यूजिक पार्ट में प्ले करना है, जो कि रियल में है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फर्स्ट में मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो इसलिए आपको ज़रा जल्दी में प्ले करके दिखा देता हूँ, तो म्यूजिक पार्ट हमारा सेकंड पूरा हो जाएगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, जी हाँ दोस्तों, तो यही है हमारा सेकंड म्यूजिक पार्ट और यही है हमारा फर्स्ट म्यूजिक पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब इस गाने का फर्स्ट अंतरा स्टार्ट हो जाता है, तो फर्स्ट अंतरा आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। लेकिन अंतरे को सिखाने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरे चैनल पर पुराने एंड नए सभी प्रकार के कव्वाली, भजन एंड गाने सभी कुछ पहले से ऑलरेडी अपलोड है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को चेक आउट कर लीजिए और सीख लीजिए। और इसी तरह से मेरे चैनल पर आपको कैटेगरीज वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे गाने आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे गानों का प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ से भी जाकर आप इजीली सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अंतरे की तरफ। अंतरे का सबसे फर्स्ट बोल है, सपने के मैं तेरा दीदार करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो अंतरे का सबसे फर्स्ट बोल आपको कहाँ से प्ले करना है देख लीजिए फ्रेंड्स, अभी आपको बता देता हूँ। तो अंतरे का सबसे फर्स्ट बोल आपको यहाँ से स्टार्ट करना है फ्रेंड्स, देख लीजिए किस तरह से।
जी हाँ दोस्तों, इस तरह से अंतरे का बोल है तो बहुत आसान तरीके से आपको सिखा देता हूँ। सपने के मैं तेरा दीदार करता हूँ, देख लीजिए। इतना बोल प्ले करना है, लेकिन इसके बाद में नेक्स्ट बोल है, जानते ज़्यादा जाने मन तेनु प्यार करता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, यही नोट से है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये बोल आपको दो बार प्ले करना है, दोनों बोल को आपको दो बार प्ले करना है। तो एक बार और देख लीजिए फ्रेंड्स, सपने के मैं तेरा दीदार करता हूँ। नेक्स्ट, जानते ज़्यादा जाने मन तेनु प्यार करता हूँ। इतना बोल प्ले करने के बाद में इसमें नेक्स्ट बोला जाता है, मेरी ज़िंदगी में आके मेरे दिल का चैन चुराया। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए किस तरीके से, देख लीजिए फ्रेंड्स। तो यही बोल आपको अंतरे में ऐड करना है फ्रेंड्स। तो दोबारा से धीरे धीरे देख लीजिए, मेरी ज़िंदगी में आके मेरे दिल का चैन चुराया। जी हाँ दोस्तों, एंड नेक्स्ट बोल है, तू संगमरमर की मूरत तैनू देख के मन ललचाया। जी हाँ फ्रेंड्स, यही नोट्स हैं। तो इतना बोल प्ले करने के बाद में इसमें नेक्स्ट बोल आ जाता है, हाँ मैंने पल 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 याद तेरी तड़पावे से। जो फर्स्ट में मैंने आपको बोल बताए थे, वही बोल इसमें लास्ट में अंतरे में भी दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो देख लीजिए किस तरह से आपको ऐड करना है। तो ये बोल मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ फ्रेंड्स, स्थाई के बोल में। तो ज़्यादा टाइम ना लिया जाए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सीख चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इतना बोल प्ले करने के बाद में फिर वही म्यूजिक पार्ट जो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो आपको फिलर पार्ट ऐड करना है इस बोल में। जब भी ये बोल आएगा, जब भी आपको ये बोल, ये पार्ट जो फिलर पार्ट है, ऐड करना है फ्रेंड्स। इतना पार्ट आपको ऐड करना है। इतना पार्ट ऐड करने के बाद में फिर दोबारा से वही बोल आपको दोबारा से रिपीट करना है। तो इतना पार्ट प्ले करने पर हमारा जो अंतरे का बोल है वो पूरा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक दे देना, एंड चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही घंटी वाले निशान को दबाकर ऑल पे भी क्लिक कर लेना, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।